हेलो गाइस यार, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट अपने सर्वाइवल सीरीज के अंदर। तो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। गाइस मेरे बंदे के पास आ गई थी नेदरराइट की सॉर्ड, और पता नहीं अभी भी उसके पास है कि नहीं। तो वो चौड़ मार रहा था, और उसका एक बेस है जो कि नेदर के अंदर है, और वो उस बेस में से निकल रहा था और वो लावा के अंदर गिर गया, और भाई वो भी मर गया और उसका डायमंड भी चला गया। अब पता नहीं उसकी डायमंड की नेदरराइट की सॉर्ड गई या फिर नहीं, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तूने जो ये चीज़ किया है इसका मैं बदला लूँगा यार 11 तारीख को, क्योंकि गाइस परसों ही उसने किया था ना इसलिए। तो अभी भाई यार मुझे भी थोड़ा तगड़ा बनना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो कुछ विलेजर्स ला के रखे हैं जो कि भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। वैसे तो दो ही नए विलेजर हैं, बाकी सब पुराने के विलेजर हैं। ये देखो ये बंदा अनब्रेकिंग भाई 13 एमएल में दे रहा है, बाकी ये तो इन सब का गाइस जानते ही हो, ये सब वही वाले बंदे हैं। ये शायद से वो गाइस स्कैमर वाला बंदा है यार। ये देखो स्कैम जो करता है भाई, 7 की एक तरफ दे रहा है इन्फिनिटी, एक तरफ 10 की इन्फिनिटी दे रहा है भाई। अजीब ही ये लोग भी हैं यार। तो अभी हम लोग को उनसे ट्रेड करने, तो ट्रेड करने के लिए हम लोग को चाहिए शुगर केन। चलो फटाफट से शुगर केन तोड़ते हैं यार। ओके गाइज मैंने अभी शुगर केन तोड़ लिया यार, थोड़े 3-4 स्टैक। और अभी हम लोग अपने ये सीक्रेट बेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़े 1 स्टैक या फिर 2 स्टैक ऐसे एमरल्ड रखे हुए हैं, तो वहाँ से एमरल्ड लाते हैं। ओके यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने सीरियड बेस के अंदर, चलते हैं अभी। वैसे यार ये अपना सीरियड बेस नहीं है, वैसे दोनों का ही बेस है गाइस ये। यहाँ पे देखो भाई 1 स्टैक है, 24 एमरल्ड पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे अपने एमरल्ड और शुगर केन ला के रख चुका हूँ। और यार यहाँ पे देखो यार ये खाली खाली लग रहा है। गाइस यहाँ पे अपने चेस्ट रखेंगे यार, ताकि यार थोड़ा ऐसे भरा भरा लगे। और जब तक चेस्ट नहीं रखने यार, तब तक यहाँ पे एक ये क्राफ्टिंग टेबल भी रख देते हैं यार, क्योंकि ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगता यार। चलो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और फिर उसके बाद इस शुगर केन को हम लोग पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके गाइस यहाँ पे हमने पेपर में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो भाई साहब सभी लोग अब यहाँ पे देना स्टार्ट कर देंगे एमरल्ड। और हम लोग सबसे पहले काम करते हैं इससे लेते हैं, क्योंकि इसके तो अभी हम लोग यहाँ पे इससे एक बार ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्योंकि ताकि ये गाइस अपना ट्रेड बदले ना। अगर आप लोग ऐसे ही उसको लंबे समय तक छोड़ दोगे बिना एक भी बार ट्रेड किए, तो वो आपको जो ट्रेडिंग होगा उसका वो चेंज कर देता है। इसे चलो उससे के ले लिया। अभी भाई देखते किसी का अगला अगर उसमें बुक होगा। अरे भाई मैंने इधर यही तोड़ दिया यार, चलो उसे बना देंगे। ये रिप्टाइड दे रहा है गाइस, देखो ये नीचे एक बुक दे रहा है, तो इसका हम लोग लेवल अप करते हैं, ताकि देखेंगे यार ये आगे कौन सी बुक दे रहा है। और ये क्या दे, ये तो ये वाला बंदा है भाई। तो अभी मैं थोड़े और शुगर केन लेकर आ चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ प्रोटेक्शन 4 देने के लिए। भाई इस वाले बंदे पे तो भाई बहुत गुस्सा आती है, इसको छोड़ो यार क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। ओके गाइज अभी मैं आ चुका हूँ इस वाले बंदे के पास, और गाइज अभी हम लोग लेने जा रहे हैं प्रोटेक्शन 4। भाई इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, ले लेते हैं गाइज। तो अभी हमारे पास एक प्रोटेक्शन 4 भी आ चुका है। ओके यहाँ इस शुगर केन को भी हम लोग फटाफट से ट्रेड कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं एक एनविल ढूंढ रहा था, और यहाँ पे मुझे एनविल मिल चुका है। और अभी हम लोग अपने जो चेस्ट प्लेट पे उस पर हम लोग प्रोटेक्शन 4 लगाने वाले। सबसे पहले चेस्ट प्लेट उतारते हैं भाई। ओके और यहाँ पे अभी हम लोग डालते हैं इस चेस्ट प्लेट को और बुक को, और हमने यहाँ पे कर लिया गाइस प्रोटेक्शन 4 का भाई साहब। चलो अगर गाइस देखो प्रोटेक्शन 4 का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है यार, अगर आप लोग प्रोटेक्शन 4 लगा दोगे तो आपको फिर फॉल डैमेज से भी खतरा नहीं होएगा। ऐसे अगर मान लो आप लोग ऐसे ट्राइडेंट यूज़ करते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ यार, तो ऐसे आप लोग को फॉल डैमेज होगा तो आप मरोगे नहीं, मतलब कि ऐसे 3-4 ही बस हार जाएंगे अगर आप फुल पूरा ऊपर तक अगर आप इसको ट्राइडेंट को यूज़ करोगे तब भी। तो यही फ़ायदे हैं यार प्रोटेक्शन 4 के। और अभी हम लोग यहाँ से देखो भाई ये बंदा दे रहा है अनब्रेकिंग, तो इससे हम लोग अनब्रेकिंग भी ले लेते हैं। ओके अभी हमने अनब्रेकिंग भी ले लिया। ये बंदा क्या दे रहा है भाई साहब, ये दे रहा है मेंडिंग। गाइस मेंडिंग भी लेते हैं एक, ताकि यार वो जो चेस्ट प्लेट है वो टूटने भी वाली है यार, तो वो भी लगा लेंगे हम लोग यहाँ से। और ये बंदा क्या दे रहा है भाई साहब, अच्छा ये तो रिटायर्ड वाला बंदा है। इसके नीचे भी यार इसको लेवल अप करना है, देखेंगे क्या कौन सा बुक दे रहा है ये। और ये वाला बंदा तो भाई ये जो गाइस इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार, लेकिन छोड़ो इसको तो रखेंगे भाई, ये स्कैमर है भाई, एक अलग ही स्कैमर करता है भाई ये। ओके गाइज मैंने यहाँ पे इतने ढेर सारे रोटेन फ्लैश लेकर आ चुके हैं। अब सोच रहे हो यार रोटेन फ्लैश कहाँ से लेकर आए, तो वो जो अपना वो क्या कहते हैं XP फार्म मेरे दोस्त ने बनाया था, मैं वहाँ से लेकर आया था। तो ऐसे वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया, कट कर दिया उस सीन को।
तो अभी यहाँ पे देखो भाई यार, ये 32-32 का दे रहा है यार, इतने स्टैक लेकर आया तो फ़ायदा क्या होगा यार, 10-20 से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं यार ये तो। अभी रुको देखते हैं कितने हमारे पास, भाई सब सिर्फ 28। भाई क्या ही तो महंगाई बढ़ा रहे हैं यार ये लोग। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे अभी लीड ले ली है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं काऊ पकड़ने। अब काऊ पकड़ने क्यों, क्योंकि देखो यार उससे लेदर मिलेगा और लेदर से हम लोग बनाएंगे बुक शेल्फ्स, और उस बुक शेल्फ से हम लोग बनाएंगे भाई वो क्या कहते हैं यार उसको, वो जिससे गाइज हम लोग को एनचैंटमेंट मिलती है, एनचैंटमिंग टेगल गाइज, उसको हम लोग को बनाना है। उसके लिए बुक चाहिए और बुक के लिए लेदर चाहिए, और लेदर कहाँ से मिलेगा गाइज, हम लोग को काऊ से मिलेगा। और मैं पता नहीं क्यों इतना बड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बनाना है। चलो अभी चलते हैं इसको लेकर। ओके गाइज, मैं पता नहीं यार इसको कितने सालों बाद देख रहा हूँ इस जगह को, भाई मैंने इस तरफ ताके भी नहीं यार कितने महीनों से पता नहीं। अरे भाई 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 तुम सब मत निकलो यार, अरे गाइज यार ये सब निकल जा रहे हैं यार। भाई एक एक गाय को रखने के सोचा था। अरे नहीं दीदी तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू अंदर जा, तू अंदर जा। भाई वैसे तो फिर गाइज एक गाय को मैंने अंदर किया और दूसरी गाय क्या है बाहर निकल गई। भाई सही है यार, मेरा फिर फ़ायदा क्या हुआ। ओ इसको गाइस मार ही देते हैं यार, वैसे भी क्या फ़ायदा, दो वैसे भी काऊ तो थी। ओके गाइस, मैं अभी इधर जा रहा हूँ यार क्योंकि और काऊ चाहिए हम लोग को, इतने से नहीं बनेगा, और लेदर भी चाहिए। और गाइस काऊ मैं एक और चीज़ के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइस अपने जो शॉर्ट है ना इस पर हम लोग क्या करेंगे, फायर एस्पेक्ट लगाएंगे। जो हमारा उधर एक घर है वहाँ पे फायर एस्पेक्ट एक बंदा देता है, वहाँ से हम लोग ले लेंगे यार फायर एस्पेक्ट, और जिससे कि हम लोग को कुछ नहीं करना होगा गाइस, हमें बस मारना रहेगा और हमारे पास इन्फिनाइट जो है फूड आते रहेंगे। क्योंकि ऐसे आसपास जितने भी ये देखो इतने सारे जानवर दिख रहे, सबको मारेंगे, सबको पका हुआ खाना मिलेगा सबका। ओके गाइज, मैं अभी बहुत ढेर सारे लेदर लेकर आ चुका हूँ यार, सबसे पहले चल के सोते हैं। भाई इतनी तेज बारिश हो रही है और ऊपर से इतना रात है। एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पे मैंने ही गाइज लगा के रखा था, विजय भाग ना जाए। चलो अभी फटाफट से सोते हैं और सो के दिन करते हैं गाइज। ओके गाइज, अभी सुबह हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये जो जितने भी हम लोग लेदर लेकर आए उसका बुक बनाने। भाई बस 10 ही बुक बना यार, इतने ढेर सारे लेदर थे। रुको, अच्छा गाइज सॉरी, पेपर गाइज हम लोग के पास ख़त्म हो गया था, अभी बन चुके और भी लेदर है। भाई नहीं ख़त्म हो गए गाइज सारे लेदर, और 21 बुक बने हैं, और देखते हैं अब 21 में से कितने बुक शेल्फ बनते हैं। सबसे पहले हम लोग को वुड चाहिए। भाई इधर ही कहीं वुड तो रखे थे बहुत ढेर सारे। भाई किधर गया, ओके गाइज देखो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है 31 वुड, और अभी हम लोग इसका देखते हैं। भाई बस 5, रुको गाइज कुछ तो कम पड़ा होगा, या तो वुड, हाँ वुड कम पड़ा है गाइज। भाई लेकिन फिर भी बस 7 ही बना यार, भाई क्या ही तो है यार, ऐसा तो भाई बहुत ढेर सारे चाहिए। 15 आई थिंक 15 लगते हैं यार इस बनाने के लिए टोटल बुक शेल्फ। अभी यहाँ पे हम लोग इधर से 3 ले, भाई इतना पूरा 1 स्टैक पड़ा हुआ है, मैं थोड़े थोड़े से वुडन प्लैंक ले रहा हूँ। चलो पहले सबसे पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और अभी देखते हैं बस 2 ही बनेगा वैसे, क्योंकि 6 ही बुक थे। देखो यहाँ पे एक 3 बुक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 बन चुके हैं बुक शेल्फ। ओके अभी मैं देखता हूँ यार कितना लगेगा। ये देखो ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो ये एनचैंटमेंट टेबल है वो रखेगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाइस 11 ऊपर लगे हैं, और 11 ऊपर यानी 11 गाइस 22 टोटल हम लोग को चाहिए यार बुक शेल्फ, और हमने अभी 7 बनाई हुई है। चलो भाई बुक शेल्फ भी बनाना पड़ेगा, भाई बहुत मेहनत लगती है इसको भी बनाने में यार। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं यार इस ट्रेडिंग हॉल में यार, वैसे ये ट्रेडिंग हॉल नहीं है, ये विलेजर्स हॉल है। भाई यहाँ पे ये, भाई ये क्या है यार, भाई रुको एक सेकंड, इस बंदे को पहले देखते ये क्या दे रहा है। ड्रेफ स्ट्राइडर नहीं चाहिए, अरे हटो यार तुम लोग। भाई देखते हैं अगला क्या देगा ये। अरे भाई भाई ले 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 जॉब तो ले। अभी ये जॉब किसने ले ली भाई यार, ये क्या भाई यहाँ पे क्या है यार, इतने ढेर सारे विलेजर्स क्यों हैं यहाँ पे। ओ हटो तुम लोग सब यहाँ पे हटो 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 भाई हटो हटो। ओ भाई 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 ये क्या भाई, ये गोलम मारने लगा। भाई मत मार भाई, अरे यार गाइस यार ये गोलम मारने लगा हम लोग को, अभी चलना पड़ेगा इस साइड पे यार। रुको इस गोलम को ही मार देते, भाई झंझट बन चुका है पूरा गोलम, क्योंकि अगर मैं अभी मरा मेरे पास 11 XP है यार, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी बुक्स वुक्स लेके उसको एनचेंट करना है ना। तो गाइस हमें
चाहिए होगा यार एक्सपी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नया गोलम ला के रख देंगे। और सबसे पहले देखते हैं ये क्या ट्रेड कर रहा है भाई, क्या क्या दिखा दे गाइस। यार क्या ही तो बंदे यार, नसीब ही गाइस ख़राब है अपना। वो भाई साहब, भाई करते करते रात हो गया यार, लेकिन भाई इन लोगों ने कुछ दिया नहीं गाइस। रोना जाता है गाइस ऐसे कर करके भाई साहब, क्या ही बोले यार। पहले तो इनका ये तोड़ो भाई, यहाँ पे ये लोग मेला लगा के रख लेते हैं और ये लोग गाइस अपना वो बना के रख लेते हैं और फिर ट्रेड भी नहीं करते हैं। ये देखते हैं सबसे पहले क्या दे रहा है वो भाई साहब, पावर 5 गाइस, वो भी 19 एमरल्ड में यार, वो भी 19 एमरल्ड में पावर 5 दे रहा है भाई जी। गाइस वैसे बुरा भी नहीं है यार, ले सकते हैं यार हम लोग, ये लेना चाहिए गाइस इससे। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करें, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो 19 एमरल्ड में दे रहा है यार पावर 5, वरना 1 स्टैक लोग लेते हैं। ये बंदा थोड़ा अच्छा बंदा है यार, लेते हैं गाइस यार इससे पावर 5 लेते हैं। चलो सामान लेकर आते हैं पावर 5 के लिए। ओके गाइस अभी मैं जितने भी सामान, वैसे सामान क्या चाहिए यार, एमरल्ड ही चाहिए थे तो एमरल्ड लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और बुक्स भी लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले भाई इससे ट्रेड करते हैं हम लोग पावर 5 गाइस, और यहाँ पे हम लोग ने पावर 5 ले लिया गाइस, और इसको भी हम लोग एक सेकेंड इसको भी ट्रेड कर दे। अबे भाई यार, ओ भाई अपना बंदा भी ज्वाइन हो चुका यार यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं फटाफट से ऊपर और उसको भी एक बार दिखाते हैं यार ये सब चीज़ें, भाई बहुत ही उस दिन चौड़ा हो रहा था यार ये। ओके गाइस अभी अपना दोस्त यहाँ पे आ चुका है, इसको दिखाते हैं भाई, बहुत उस दिन चौड़ा मार रहा था ये, देख ले भाई सब कुछ देख ले। हाँ नहीं तो गाइस हंसते हैं इसके सामने हा हा करके, एक सेकंड देखते हैं। अबे ओ भाई ओ सर ऊपर करके फेंक, उल्टा तेरे पास जा रहा है, फेंक 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 फेंक। अरे बुक तो दे इससे गाइस, बोलते हैं अब बोल भाई साहब। गाइस उस दिन इसने पता है क्या किया, इसने अपना नेदराइट का शॉर्ट दिखाया ये भाई साहब। हम लोग इधर बिल्ड बिल्ड कर रहे हैं, ये अपना ग्राइंडिंग कर रहा है यार, अलग ही बंदा यार ये। अभी भाई वो तो दे, ऊपर बुक ही नहीं दे रहा भाई ये। अबे ये क्या लिखा गया, अच्छा दिया दिया उसने दिया। हाँ तीनों गाइस गाइस तीनों बुक आ चुके हैं अपने पे। हाँ अभी इससे पूछते हैं भाई, अब बोल ले भाई उस दिन ये बंदा शॉर्ट लेके आया और अपने सीगड़े वेस में गया और वहीं पर बंदा मर गया यार, अलग ही भाई इंसान है ये अपना दोस्त भी। चलो गाइस ये चेस्ट पे कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा ये बंदा वन नाट है भाई, मैं इसको मार दिया था ना, रुको इसको खाना देते हैं यार, खाना देते हैं। ओके गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो गाइस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं किया है। और गाइस ये बंदा बहुत बोल रहा था यार 11 तारीख को मिल भाई, तो 11 तारीख को, क्योंकि गाइस अभी परसों ही यार इसका वो शॉर्ट गया था इसलिए ये बोल रहा था ऐसा। चलो भाई हमें भी इंतज़ार रहेगा वॉर का। चलो अभी के लिए बाय बाय।